इतना तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे कि सर छोटू राम को किसानों का देवता क्यों कहते हैं। फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत शक है तो इस वीडियो को देख ले, शक दूर हो जाएगा। यहाँ मैं कुछ ऐसे नाम बताना चाहूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज के जमाने में एक माँ के जाए दो बेटे भी एक दूसरे पर उतना भरोसा नहीं करते जितना उस समय छोटा बड़ा जमींदार सर छोटू राम पर करता था। अंग्रेजों के समय चुनाव लड़ने के कानून थोड़े अलग होते थे। हुआ यूं कि सन 1936 में सर छोटू राम ने भू स्वामित्व वाली सीट से लड़ने का मन बनाया। इस सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए शर्त ये थी कि उम्मीदवार के नाम बतौर मालिक इतनी जमीन होनी चाहिए कि जिसका सालाना मालिया कम से कम 500 रुपए बनता हो। अब सर छोटू राम ठहरे एक छोटे से किसान के बेटे, उनके पास इतनी जमीन थी ही नहीं। सर छोटू राम को इस सीट से चुनाव लड़ने के योग्य बनाने के लिए गांव सिंहपुरा निवासी चौधरी हरके राम उत्तर उद्मी राम ने अपनी 504 बीघे यानी 100 एकड़ और गांव बोहर के निवासी राजमल पुत्र राम सिंह ने अपनी 214 बीघे यानी 43 एकड़ जमीन बिना कोई रुपया लिए सर छोटू राम के नाम करवा दी। ये जमीन बाद में उनको सर छोटू राम ने सह धन्यवाद सहित वापिस लौटा दी। अब आप समझ सकते हो उस समय के किसान को कितना भरोसा था रहबरे आजम सर छोटू राम पर। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई नेता मिले जिसको कोई किसान 100 गज का प्लाट भी अपने नाम करवा दे। हम बोलते हैं कि हे छोटू राम वापिस आ जा, तो साथियों बात ऐसी है, सर छोटू राम आते नहीं, बनाने पड़ते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर पाखंड को निकालना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। आप खेतों में मेहनत करते हो, फसल उगाते हो, पर जब पैसे आपकी जेब में आते हैं तो उन्हें कोई और चट कर जाता है। ए भोले लोगों, मेरी दो बात मान लो, एक बोलना सीख लो, दूजा दुश्मन लो पहचान। गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।